बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। रेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाएं 15% की छूट। आज ही पहुंचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। नगर परिषद में वित्तीय अनियमितता के आरोप में सभापति सिंधु सिंह की बर्खास्तगी को पटना हाईकोर्ट द्वारा निरस्त और राज्य सरकार पर 25,000 का जुर्माना किए जाने की सूचना के बाद बुधवार को समर्थकों में हर्ष देखा गया। बुधवार को सिंधु सिंह के समर्थकों द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की गई। इस संबंध में सिंधु सिंह ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन अंत जीत ही होती है। कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास था कि वे बेदाग होकर मामले से बाहर निकलेंगी। वहीं समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। बता दें कि नगर परिषद क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण व कूड़ा निस्तारण के लिए नौतन के अंगौता गांव में 4 करोड़ की लागत से खरीदी गई जमीन में हुए घोटाले को लेकर पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर सहित अन्य ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित नगर विकास एवं आवास विभाग को मामले की जाँच कर कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद विभाग के निर्देश पर डीएम अमित कुमार पांडे ने जांच के लिए टीम का गठन कर मामले की जांच कराई थी। वहीं गठित जांच टीम ने मामले को सही पाते हुए विभाग को रिपोर्ट सौंपी थी। इस मामले में डीएम के निर्देश पर कार्यपालक पदाधिकारी राहुल धर दुबे ने नगर थाना में वित्तीय अनियमितता के आरोप में सिंधु सिंह समेत अन्य 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके साथ ही विभाग के प्रधान सचिव ने बर्खास्तगी का आदेश दिया था। न्यूज जनतक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।